आदर्श आदर्श आदर्श, क्या हुआ? पता है स्वच्छ भारत में फिर से फिल्म बनानी है। किसने कहा? अरे वही हाँ। फिर से लगता है सफाई अभी पूरी हुई नहीं। तुम दोबारा फिल्म बनाओगे? नहीं, सरल बातें लोगों को कहाँ समझ में आती हैं? सरल बातें? सरल बातें? मेरा भारत कभी स्वच्छ हो पाएगा? मेरा भारत जरूर स्वच्छ होगा, मुझे ही शुरुआत करनी होगी, वो भी अभी और इसी वक्त। अरे आदर्श बेटा, ये क्या कर रहे हो? अंकल, मैं अपने घर के सामने सफाई कर रहा हूँ। अच्छा है अच्छा है, पर ये अचानक कैसे? अंकल, जो अभी सरकार ने स्वच्छता पर कार्य शुरू किया है वो अभी पूरा नहीं हुआ। वो कैसे? वो ऐसे अंकल जी, अगर हमारे घर के सामने ही गंदगी रहेगी तो बीमारियां फैलेगी। हम इलाज तो करवा लेंगे मगर साफ सफाई के लिए कुछ नहीं करेंगे। हम ये कह के टाल देंगे कि ये काम तो सरकार का है और कुछ नहीं करेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, ये जिम्मेदारी तो सरकार की है। ओ अंकल, अगर आप कल सोच के ले जाओ तो पानी लेकर मत जाना। क्यों? क्योंकि आपके अनुसार गंदगी करना मेरा काम है और उसे साफ करना सरकार का काम है। ये क्या बकवास है, मेरी सफाई रखना मेरी जिम्मेदारी है। यही बात तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यदि हम अपने घर के सामने 10 कदम की सफाई करें तो अपना देश स्वच्छ रहेगा। सिर्फ 10 मिनट ही तो लगते हैं। 10 मिनट 10 कदम, स्वच्छ रहे भारत हरदम।